आज मैं आप लोगों के लिए एक डिफरेंट रेसिपी लेकर आई हूँ जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं खाई होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की नई रेसिपी। फ्रेंड्स, आप लोग चिकन कई तरीके के खाते होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशली मुगलाई चिकन लेकर आई हूँ, जिसकी रेसिपी बहुत ज्यादा इजी है। तो इसके लिए देखिए, मैंने 1 किलो के आसपास चिकन लिया है और स्पेशली इसमें मैंने सिर्फ लेग पीस का ही यूज करा है। मुगलाई चिकन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कटोरी दही लिया है और दही को मैं चिकन में मिक्स कर दूंगी। अब 2 चम्मच मैं इसमें यूज कर रही हूँ हल्दी का और 1 चम्मच इसमें मैं नमक यूज कर रही हूँ। साथ ही 1 चम्मच इसमें मैं यूज कर रही हूँ सरसों का तेल और आधा मैं इसमें यूज करूंगी नींबू। नींबू से हमारा फ्लेवर बहुत अच्छा है। अब चिकन और मिक्सचर को हम लोग बिल्कुल अच्छे से हैंड की हेल्प से मिक्स कर देंगे, ताकि हर चीज आपस में मिक्स हो जाए और चिकन में ये मसाला अच्छे से लग जाए। और अब मैं इसको कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए रख देती हूँ फ्रीजर में, ताकि ये जो सारे मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं आपस में चिकन में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। अब चिकन को तो मैंने फ्रिज में रख दिया है और साथ ही यहाँ पर देखिए मैंने लिए है प्याज, टमाटर, थोड़े से यहाँ पे मैंने लहसुन की कलियाँ ली है 20 से 25 और थोड़ा सा अदरक लिया है। और इसका अब हम बना लेंगे, इसको पहले हम फ्राई करेंगे और फिर इसका पेस्ट बना लेंगे, क्योंकि तब तक हमारा चिकन अच्छे से बिल्कुल मैरिनेट हो जाएगा फ्रिज में, तो तब तक हमारा ये भी ग्रेवी भी हम तब तक तैयार कर लेंगे। अब प्याज को हम लोग इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेंगे, क्योंकि हमें सिंपली सिर्फ प्याज को हल्का हल्का सा ही फ्राई करना है और उसके बाद हम लोग इसको पीस लेंगे। प्याज को हमने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है, तो आइए टमाटर को भी इसी तरीके से कट कर लेते हैं। तो अब देखिए, प्याज को मैंने बिल्कुल बड़े बड़े पीसेस में अच्छे से बिल्कुल कट कर लिया है और इसी तरीके से मैंने टमाटर के भी बड़े बड़े पीसेस कर लिए। आपको लहसुन और अदरक के पीसेस नहीं करने। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है और कढ़ाई में थोड़ा सा मैं सरसों का तेल का यूज कर रही हूँ, ताकि मैं प्याज टमाटर को इसमें अच्छे से फ्राई करूँ। अब तेल मेरा अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसी में मैं प्याज को अच्छे से फ्राई कर लूंगी। प्याज को हमें बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ हमें उसको सॉफ्ट करना है। अब प्याज के साथ साथ जो हमने यहाँ पे टमाटर लिए हैं, टमाटर को भी हम प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसी के साथ जो यहाँ पे हमने लहसुन अदरक की जो कलियाँ ली हैं, उनको भी हम इन्हीं के साथ फ्राई कर लेंगे। हल्का हल्का ही हम इसको फ्राई करेंगे। तो आज फ्रेंड्स, मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मुगलाई चिकन। मुगलाई चिकन को आप बहुत ही इजी तरीके से देसी स्टाइल में अपने घर पे बना सकते हैं और जब आप इस चिकन को बनाएंगे ना, तो आप बाहर का चिकन भी खाना भूल जाएंगे। अक्सर लोग चिकन को कच्चा प्याज टमाटर लेके पीस के उसको बनाते हैं, लेकिन अगर आप इस स्टाइल से बनाएंगे तो आपके टेस्ट में 4 चांद लग जाएंगे। अब प्याज टमाटर मेरे अच्छे से बिल्कुल फ्राई हो गए हैं और इनका कलर आप देख सकते हैं चेंज हो गया है और काफी सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो अब मैं इसको गैस को कर देती हूँ ऑफ और इसको 5 से 7 मिनट के लिए रख देती हूँ, ताकि ये ठंडे हो जाए और ठंडे होने के बाद हम इसको कर लेंगे ग्राइंड। अब प्याज टमाटर जो हमने तैयार कर रहे हैं फ्राई करके, इसको अब हम क्या करते हैं ग्राइंड कर लेते हैं मिक्सी में। और याद रखिएगा कि ये आपका जब ठंडा हो जाए तभी आप ग्राइंड करिएगा, अदरवाइज जो है ना ये आपका बाहर निकल जाएगा। तो ठंडा होने के बाद ही हमें इसको ग्राइंड करना है। तो आइए इसको ग्राइंड। अब ये प्याज टमाटर का मिश्रण तो देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे से पीस लिया है इसको। तो अब हम कढ़ाई में मुगलाई चिकन को बनाना शुरू करते हैं। अब इसी कढ़ाई में मैं यूज कर रही हूँ 4 चम्मच के आसपास सरसों का तेल, क्योंकि चिकन में तेल का ही खेल होता है। तेल अगर आप यूज करेंगे तो आपका चिकन काफी अच्छा बनेगा। तेल मेरा अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें मैं यूज कर रही हूँ तेजपत्ता, थोड़ी सी दालचीनी का मैं इसमें यूज कर रही हूँ, 3 से 4 इलायची और थोड़ा सा काली मिर्च और लौंग का मैंने यहाँ पर यूज करा है, थोड़ी सी हींग का यूज करेंगे और 1 चम्मच जीरा। अब इसको हम हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब जिस चिकन को मैंने मैरिनेट करने के लिए रखा था, उस चिकन को भी हम इस मसाले के साथ डाल देंगे, ताकि मसाला और चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो जाए। अब चिकन को मसाले के साथ अच्छे से बिल्कुल 5 से 10 मिनट तक बिल्कुल फ्राई कर लेना है, ताकि जो चिकन है ना वो मसालों के साथ जो जब मिलेगा तो उसका टेस्ट आप देखेगा बहुत ही अच्छा है। अब लगभग 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसको प्रॉपर तरीके से ढक दूंगी, ताकि स्टीम में मेरा चिकन ना अच्छे से बिल्कुल पक जाए, सॉफ्ट हो जाए। अब तकरीबन
3 से 4 मिनट हो गए हैं और इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि जब ये तेल और मसालों में मिक्स हो रहा है ना तो उसकी खुशबू बढ़ती जा रही है। और ये देखिए यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मेरा जो दही था, मसाले, चिकन सब आपस में मिक्स हो गया। देखिए दही जो है ना मेरा तेल के साथ, चिकन के साथ बिल्कुल अच्छे से इसमें ये यहाँ पर बॉयल आ रहा है। तो अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ मसाले। मसाले में मैं यूज कर रही हूँ 2 चम्मच के आसपास पिसा हुआ हरा धनिया, 1 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च का यूज कर रही हूँ ताकि कलर अच्छा है इसका, और 1/2 चम्मच के करीब मैं यूज कर रही हूँ नमक। ये मेरा छोटा चम्मच है, आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक का यूज कर सकते हैं। और अब इनको मैं कर देती हूँ मिक्स। इसमें मैंने बहुत ज्यादा मैं मसाले यूज नहीं करूंगी क्योंकि इसमें मैंने पहले से ही खड़े मसालों को यूज करा है, तो आपका बहुत ज्यादा तीखा ना हो जाए, तो इसमें कम ही मसालों का यूज करिएगा। अगर बहुत ज्यादा आप तीखा खाते हैं तो डाल भी सकते हैं ज्यादा मसाले। अब मसालों को भी 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसके साथ अच्छे से बिल्कुल पकते पकते, तो इसी के साथ अब मैं यूज कर रही हूँ ग्रेवी। जो मैंने ग्रेवी तैयार करी थी ना वो इसमें मैं इसको ऐड कर दूंगी। अब धीरे धीरे हम ग्रेवी को चिकन के बीच में अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर देंगे ताकि ग्रेवी, मसाले, चिकन सब आपस में मिक्स हो जाए और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए और टेस्ट भी आए। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक का और यूज करूंगी ताकि नमक से हमारा बहुत जल्दी गल जाएगा और बन जाएगा। और इस सबको देखिए आपस में अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब 15 से 20 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। बीच बीच में जरूर चेक करिएगा कहीं आपकी ग्रेवी जल ना जाए। अब 15 मिनट के आसपास हो गए हैं तो चिकन को चेक करते हैं कि चिकन हमारा गलना शुरू हुआ है नहीं हुआ है। तो इसको देखिए इस टाइप से हल्का हल्का ही ये नरम हुआ है, अभी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमारा नहीं गला है। तो इसको मैं क्या करूंगी, अभी 15 मिनट के लिए और ढक दूंगी। और इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं अभी ऐड करा है, ये मेरा जो दही वगैरह का पानी था वही वाला है, अदरवाइज मैंने ऊपर से कोई इसमें पानी ऐड नहीं करा। अब इसको 10 मिनट के आसपास और ढक देते हैं, फिर दोबारा चेक करेंगे कि हमारा बना है या नहीं। अब तकरीबन 10 मिनट के आसपास फिर से हो गए हैं, तो चेक करते हैं नीचे से ऊपर पूरा देखते हैं कि चिकन कितना हमारा प्रॉपर तरीके से रेडी हुआ है। देखिए ये तो प्रॉपर ऐसे रेडी हो रहा है, वाओ कितनी अमेजिंग इसमें से खुशबू आ रही है, बहुत ही मुझे तो अभी से इतना टेस्टी लग रहा है ये, ऐसा मन कर रहा है मैं अभी खा लूँ। लेकिन हम इसको अभी नहीं खा सकते, हमें इसको प्रॉपर अच्छे से बिल्कुल गलाना है तभी हम इसको खाएंगे। अब इसको देखिए इस तरीके से दबा के देखती हूँ, अभी भी मुझे हल्का सा ये लग रहा है कच्चा, क्योंकि चिकन ना हमें मंदी आँच पे अच्छे से बिल्कुल पकाना होता है, थोड़ा टाइम लगता है चिकन को पकने में, एकदम से नहीं बन पाता कढ़ाई में। वैसे भी धीमी धीमी आंच पे जब वो पकता है ना तो उसका जो फ्लेवर है, टेस्ट है, वो बहुत ही अच्छा आता है। हल्का सा और कच्चा है तो फिर से हम इसको ढक देते हैं। तो अब शानदार खुशबू के साथ हमारा चिकन हो गया है बिल्कुल फाइनली तैयार। देखिए इसका कलर कितना अच्छा है और इसका टेक्सचर तो देखने लायक है। तो आइए इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में। अब यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया और इसको बाउल में अच्छे से सर्व कर लेते हैं। तो मुगलई चिकन बनके बिल्कुल हमारा तैयार हो गया, देखने में लग रहा है ना आपको भी बिल्कुल टेस्टी और स्वादिष्ट। और मुगलई चिकन में अब मैं इसमें डाल रही हूँ गार्निशिंग के लिए हरा धनिया और थोड़ी सी मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ क्रीम। ये मेरी घर की क्रीम है, आप चाहें तो आप मार्केट की क्रीम को भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको बताया कि कैसे आप घर पे बहुत ही मिनटों में मुगलई चिकन तैयार कर सकते हैं। तो अच्छी लगी ना आपको भी ये रेसिपी, अगर लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।